मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर नेक्स्ट हिंदी क्लासेस। प्रीवियस वीडियो में हमने एक वचन से बहुवचन बदलने के नियम नंबर 4 और 5 पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में एक वचन से बहुवचन में परिवर्तन करने के कुछ विशेष नियम पढ़ेंगे। तो एक बार हम रिवाइज कर लें कि हमने नियम नंबर 4 और 5 में क्या पढ़ा था। तो नियम नंबर 4 में हमने पढ़ा था कि जिन शब्दों के अंत में या आता है तो या में चंद्र बिंदी लगाकर हम बहुवचन को बनाते हैं। जैसे बुढ़िया, तो बुढ़िया में देखिए अंत में या आया है, तो जब हम उसका बहुवचन बनाएंगे तो बुढ़िया लिख के ऊपर चंद्र बिंदी लगा देंगे। फिर चूहिया, तो चूहिया में भी क्या लगा देंगे, या आया है अंत में तो उसमें भी ऊपर चंद्र बिंदी लगाकर बहुवचन बनाएंगे। और इसके बाद का हमने नियम पढ़ा है कि कुछ शब्दों में एक वचन के बाद कुछ शब्द जोड़कर उनको बहुवचन बनाया जाता है। जैसे गण, वृंद, लोग, जन। ठीक है, जैसे हमने उदाहरण देखा था कि क्या लिखा था हमने, कवि, तो बहुवचन बनाया उसका तो कविगण। कवि है जो, उसका हम कभी बहुवचन नहीं करते कि कवि का कवियों, है ना, ऐसा बहुवचन नहीं होगा। कवि गण लगा सकते हैं, है ना। और फिर जैसे कि मुनि, तो उसका मुनि के साथ क्या लगा देंगे, गण। विद्यार्थी, तो विद्यार्थी गण, ऐसा है ना, कुछ शब्द उसके साथ लगाकर हम बहुवचन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे प्रजा, प्रजा का बहुवचन क्या होगा, प्रजा जन, है ना, प्रजाओं नहीं होगा, क्या होगा, प्रजा जन। पक्षी में क्या लगा देंगे, पक्षी वृंद, खग वृंद, ठीक है, तो वृंद लगाकर उसका बहुवचन बना लेंगे। ये हमने 2 नियम पढ़े थे। अब आज हम उसके कुछ विशेष नियम पढ़ेंगे एक वचन से बहुवचन बनाने। तो आप लोग सब रेडी हो जाइए, पहले समझ लीजिएगा, फिर उसको कॉपी में नोट डाउन करिएगा। तो देखिए कुछ विशेष नियम क्या है। फर्स्ट नंबर का नियम है कि कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो एक वचन तथा बहुवचन में सदैव एक समान होते हैं, चाहे उनको एक वचन में लिखा जाए या उनको बहुवचन में लिखा जाए, दोनों एक समान ही होंगे। जैसे कि हाथी, घर, आज, कल, दूध, पानी, घी, तेल, चाय आदि। ठीक है, क्या है, कुछ शब्द ऐसे भी हैं जो एक वचन तथा बहुवचन में सदैव एक समान होते हैं, उनका यानी क्या किया जाता, परिवर्तन उनमें नहीं किया जाता। जैसे हाथी, घर, आज, कल, दूध, पानी, घी, तेल, चाय आदि। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा नियम देखते हैं, युग्म शब्द। युग्म शब्द यानि क्या होता है, जो जोड़े से आते हैं, है ना, जैसे कि क्या हो गया, माता पिता, भाई बहन, लाभ हानि, गुणा भाग, ऐसे यानि जो शब्द जोड़े से आते हैं उनको हम कहते हैं युग्म शब्द। उनके बीच में क्या लगा देते हैं, डैश लगा देते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है नियम,
युग्म शब्द दिए गए हों तो उनके बहुवचन बनाते समय यह ध्यान देना जरूरी है कि दोनों शब्दों की वचन ना बदल कर, यानी दोनों शब्द हैं उनकी वचन ना बदल कर केवल अंतिम शब्द का वचन परिवर्तन होगा। यानी दो शब्द लिख रहे हैं जैसे भाई और बहन, तो भाई को हम चेंज नहीं करेंगे, बहन का चेंज हो जाएगा, है ना। जैसे एक वचन लिखेंगे भाई बहन, तो बहुवचन उसका क्या हो जाएगा, भाई बहनों। ठीक है, अब सेकंड देखे भेड़ बकरिया, तो भेड़ बकरिया, तो भेड़ चेंज नहीं होगा, क्या होगा, भेड़ बकरियों। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर कुछ विशेष चीज़ें देखेंगे एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम में। तो आज के लिए बस इतना ही, इसको आप कॉपी में नोट डाउन करिएगा।